फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और हम जाने वाले हैं एक न्यू जगह। तो आपको धूप भी नहीं खिली हुई है, बस बस यहाँ तो धूप खिली हुई है ना देहरादून में, नहीं, और हम वहां जाएंगे पर धूप खिली चकराता। हुई है। और रास्ते में हाँ, जितना भी व्यू हमें देखते नजर आएगा वो हम आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर, ये और देखिए हितेश रेडी हो गए हैं और ये हमारी देखिए न्यू गाड़ी राशि भी रेडी भी हो गई है। आ गई, हमारी न्यू गाड़ी भी आ गई। ये देखिए सब रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं। ये देखिए ये हमारी गाड़ी आ चुकी है। देखिए इनकी शैतानी पूरी नहीं हो रही है, ये आ चुकी है गाड़ी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे साथ चक्राता। देखिए गाड़ी आ चुकी है, बच्चे रेडी हो गए गाड़ी में बैठने के लिए। इस ठंड के मौसम में बर्फीली जगह का मजा लेने। तो फ्रेंड्स, अब हम चक्राता जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखिए राशि, हितेश और जीवितेश, इनकी गुत्थम गुत्था चल रही है आगे बैठने के लिए। तो हम निकल चुके हैं अपनी बिल्डिंग से बाहर और गाड़ी में बैठ चुके हैं। और ये हितेश सो गए हैं, थोड़ा एक्टिंग भी कर रहे हैं सोने की। उनको गाड़ी में बैठते ही थोड़ा नींद आनी शुरू हो जाती है। और ये देहरादून से शिमला बाईपास होते हुए हमें जाना पड़ता है। विकास नगर पड़ता है बीच में, और विकास नगर से चक्राता की ओर हम जाते हैं। ये देखिए बीच में काफी खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सिटी के अंदर तो केवल मकान ही मकान है। ये देखिए ये पुल पड़ा है और इसके जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये जो रास्ते में कालसी आता है उसका एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है। अभी जब हम वापस आएंगे तो हम वहां पर रुकेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। और हितेश बीच बीच में सोने की एक्टिंग कर रहे थे और इनको थोड़ा गाड़ी में इनको थोड़ा चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं।
तो एक साइड तो राशि ने पकड़ ली थी विंडो सीट और एक तरफ मैंने पकड़ ली थी, और जो आगे वाली सीट है उसमें जीवितेश बैठा हुआ था। और ये जो गाड़ी है उसके ऊपर से भी जो शीशा है वहां से भी देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना मैंने आनंद लिया उतना मैं आपको भी दिखा सकूं इन पहाड़ों का, इतने हरे भरे पेड़ पौधों का। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो तो अक्सर ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं वो ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को भी इतने सुंदर दृश्य दिखा सकूं। एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में पतली सी सड़क और नीचे एकदम गहराई, ये देखिए। अभी आपको ये जो पहाड़ थोड़े खाली खाली से दिख रहे होंगे, लेकिन जब हम आगे की तरफ को जाते जाते चक्राता की ओर जैसे पहुंचते रहते हैं नजदीक, तो काफी पेड़ हैं। और ये बीच में हम लोगों ने थोड़ा स्टे किया जहाँ बच्चों ने मैगी वगैरह खाई है, ये देखिए हितेश जी, हितेश राशि, और हम लोगों ने चाय पी। क्योंकि इन सबको हो रहा था कि हमें थोड़े चक्कर आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो बीच में थोड़ा कुछ खाया जाए, और उसके बाद बच्चों को काफी अच्छा लगा। और फिर मुझे भी लगा शायद मुझे भी खा लेनी चाहिए मैगी, जब बच्चों को इतनी पसंद आ रही है तो मैं भी शुरू होगी बच्चों के साथ। काफ़ी यम्मी बनी हुई थी मैगी, क्योंकि पहाड़ का जो पानी है उससे जब चीज़ें बनती हैं तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ का पानी ही इतना अच्छा होता है कि आप अगर कुछ भी चीज़ एकदम सादे तरीके से भी बनाएंगे तो उसका स्वाद इतना अच्छा आएगा। कभी आप लोग भी आइए चक्राता। ये देखिए अब यहाँ से पेड़ पौधे काफी शुरू हो चुके हैं और धूप एकदम खिली हुई है। हम काफी कुछ रख के भी ले गए थे, शॉल वगैरह, लेकिन इतनी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ी। और जीवितेश ने तो जो जैकेट वेयर करी हुई थी वो भी निकाल दी, वो केवल एक स्वेट शर्ट पहने हुए था। ये देखिए जो बीच में पहाड़ दिख रहे हैं उसमें व्हाइट व्हाइट सी बर्फ है। जब तक हम और हमने पहुंचना वहीं पर ही था, तो जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो हमें बीच बीच में दिखाए जा रहे थे कि हमें उस पहाड़ तक पहुंचना है जहां पर वो बर्फ की एकदम सफेद चादर सी बिछी हुई है। और बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे सफर का, क्योंकि इनको भी बर्फ देखने की काफी उत्सुकता बनी हुई थी कि कब हम बर्फ देखेंगे, कब हम बर्फ देखेंगे। और जब बर्फ, ये देखिए यहाँ से बर्फ शुरू हो गई है, और बच्चे खूब उत्साहित हैं कि अब हम कहाँ पर बर्फ के साथ एंजॉय करेंगे एकदम। तो ये जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने ये रास्ता काफ़ी देखा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि जहाँ पर ज़्यादा बर्फ होगी मैं वहीं पर आप लोग को लेके चलता हूँ। और ये देखिए बर्फ हमें दिखाई देने लगी है, तो मुझे लगा कि आपको ज़्यादा अच्छा व्यू मैं सनरूफ के थ्रू ही दिखा पाऊंगी, क्योंकि विंडो के एक साइड से मैं ज़्यादा व्यू नहीं ले सकती हूँ। तो अभी जो नज़ारे देखे थे वो सनरूफ के थ्रू ही आपने देखे थे। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं बर्फ में खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए, क्योंकि उन्हें चारों तरफ अपने केवल बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है, पेड़ पौधे और केवल बर्फ। और इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है जैसे पुरानी फिल्मों में लगता था, एकदम पेड़ पौधे उसके आसपास हीरो हीरोइन अपना डांस करते थे, गाने गाते थे, और इसी तरह बर्फ नज़र आती थी। सेम वही सीन आंखों के सामने आज नज़र आ गए हैं पुरानी फिल्मों के, और वही गाने, पुराने जो सॉन्ग होते थे वही आज उस समय मुझे भी फील हो रहे थे। जब हम छोटे थे तो पुरानी फिल्में, उस समय जो पुरानी फिल्में चलती थी उसमें ऐसे ही सीन हमें नजर आते थे। ये देखिए एकदम बर्फ की चादर, अभी बर्फ गिरे हुए 4 दिन हो गए थे फिर भी इतनी बर्फ। वो देखिए सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं एकदम बर्फ की चादर ओढ़े हुए, वो सब बर्फ से ढके हुए हैं। और ये देखिए पुराने टाइप के जो पहाड़ों में मकान रहते हैं छोटे छोटे से, ये देखिए कितना सुंदर पहाड़ है सामने बर्फ से ढका हुआ एकदम। और पहाड़ों पे मकान इस तरह के होते हैं कि
उनके ऊपर टीन की छत होती है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सैलानी आए हुए हैं, देखिए जो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा और हम आगे जाएं, जहाँ पर हम भी थोड़ा इंजॉय कर सकें बच्चों के साथ। और ये बीच में अभी ये देखिए इस रोड पे सैलानी थोड़े कम आते हैं, क्योंकि मसूरी तक काफ़ी लोग आते हैं। इधर को थोड़ा विदेशियों का आना भी मना है, तो इधर को उतने सैलानी नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चक्राता साइड जाएंगे तो आपको काफ़ी इन्जॉय करने को मिलेगा बर्फ के साथ। इतना इन्जॉय आपको मसूरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बाहर के टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो काफ़ी भरा भरा रहता है उधर। लेकिन इधर उतना भरा नहीं रहता है, इधर जो पहाड़ के लोग हैं जो जानते हैं कि इधर हमको बर्फ देखने को मिलेगी, सिर्फ वही लोग आते हैं। ये देखिए अब हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी रोक दी है और अब हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। ये देखिए बच्चे उतरते ही बर्फ को पकड़ के अपना खेलने लगे हैं, एकदम खुश हो गए कि इनको बर्फ देखने को मिल गई है। फ्रिज में ये लोग बर्फ देखते हैं, लेकिन वो इस तरह की बर्फ नहीं होती है, तो इनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था बर्फ़ देखने का। मैंने इनसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं इनको लेके जाऊंगी। ये देखिए ये वही भैया हैं जिनकी गाड़ी है। तो मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो बच्चों की जिम्मेदारी मैंने इन्हीं को सौंपी हुई थी। ये भी काफ़ी अच्छे हैं नेचर के, तो ये बच्चों का काफ़ी ध्यान रख रहे थे। हमने सोचा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहीं पर ही बच्चे अच्छे से अपना एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें। ये देखिए यहाँ पर काफी बर्फ गिरी हुई थी। उन्होंने खेलना शुरू कर दिया बर्फ के साथ। हितेश और आगे जाओ राशि दीदी के साथ। और इन्होंने बर्फ का स्नोमैन भी बनाया था। अभी मैं आपको इनकी ओरिजिनल वॉइस सुनाऊंगी बच्चों की, जो एंजॉय कर रहे हैं आपस में। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पीछे कितनी बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है। अरे वो उसके ऊपर गिरी है। देखिए मैं भी आ रहा हूं। चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और ये देखिए हितेश बर्फ पे चढ़ाई कर रहा है। ये देखिए ये सारे बच्चे बर्फ पे चढ़ाई कर रहे हैं। अरे ये देखो कितनी सॉफ्ट है, ये देखो। वाह वाह, नहीं नहीं ज्यादा ऊपर नहीं, काटे हैं जी। हितेश नीचे आ जाओ, हितेश नीचे आओ, यहाँ को देखो सब बर्फ पकड़ो अपने हाथ में, यहीं पर से देखो हितेश। यहीं पर खेलो
ये देखिए गाइस, ये बच्चे जा रहे हैं आगे को, देखिए कितनी बर्फ गिरी हुई है और इतना अच्छा लग रहा है इस बर्फ में, बहुत मज़ा आ रहा है। और देखिए मौसम इतना अच्छा है कि धूप भी निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर का जो एरिया है यहाँ पर धूप काफ़ी नहीं आती है, इस वजह से यहाँ पर बर्फ काफ़ी दिनों तक जमी रहती है, क्योंकि बर्फ़ पड़े हुए 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जगह है, हमारे जो ड्राइवर भैया उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी समय तक रहती है धूप न आने की वजह से, क्योंकि चारों तरफ से इतनी मस्ती करी कि इनके कपड़े सारे गीले हो चुके थे, मुझे इतना ध्यान भी नहीं था कि मैं इनके लिए एक एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के जाऊं। तो जब इन्होंने बर्फ में खूब स्लाइड करा तो उसकी वजह से इनके कपड़े काफी गीले हो चुके थे, लेकिन धूप इतनी थी कि जब थोड़ी देर बाद हमने रुक करके खाना खाया तो तब तक इनके कपड़े सूख चुके थे। देखिए मौसम कितना साफ है और कितना सुंदर लग रहा है, चारों ग्रीनरी देखिए कितनी सुंदर है, और ये देखिए बर्फ की चादर, एकदम इतनी बर्फ गिरी हुई है, ये देखिए सबके सब स्लाइड कर रहे हैं, मजा आ रहा है इनको स्लाइड करने में, मन यहाँ से आने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन ये काफी देहरादून से काफी दूर है चकराता, तो हमें लगा कि अगर हम शाम तक भी यहाँ पर एंजॉय करते रहेंगे तो उससे भी बच्चों का मन नहीं भरेगा। एक टाइम के बाद मैंने इनको मना कर दिया ज्यादा खेलने से, लेकिन अभी स्लिप भी हो जाती है, बाकी थोड़ा ऊंचाई में है तो इनको स्लाइड, ये देखिए राशि स्लाइड करने के लिए जीवी देश करने में, और ये आए हितेश, काफी मजा आ रहा था। बार बार ये कह रहे थे कि हमें वो करना है, थोड़ा आगे कर ले आई और यहाँ पर इनको एक डिस्पोजल ग्लास मिला और उसमें बस घर पर ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको घर को ही लेके जाएंगे। एकदम भर चुकी होती है जब बर्फ गिरती है, तो वो सड़क को क्लीन करने के लिए बर्फ इधर उधर हटाई गई है, तो भी आपको मट्टी मट्टी सी भी दिख रही होगी बर्फ काली काली से, तो उसी कारण काली दिख रही है, क्योंकि वो बीच से सड़क को साफ किया गया, उसको साइड रखा गया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिस पहाड़ की ओर को हम देखते तो वहाँ हमें एकदम बर्फ ही नजर आ रही है, देखिए नीचे भी कितनी बर्फ गिरी हुई है। लेकिन उस दिन मौसम इतना अच्छा था, एकदम खिली हुई थी,
देखिए अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और देखिए बीच में कितने सैलानी आए हुए हैं जो बर्फ का मजा ले रहे हैं। ये देखिए एकदम कड़कती धूप और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और यहाँ पर से पहाड़ों में पानी के स्रोत भी काफ़ी होते हैं, वो पानी भी बहुत प्योर होता है और बहुत अच्छा लगता है उसको पीने में। देखिए मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि मैं आपको पहाड़ों के ये दृश्य दिखा सकूं जो मैंने देखे हैं। अभी हमने जाते हुए एक जगह पर बीच में हमने लंच भी किया। ये देखिए ये जो भैया थे इन्होंने ही हमको ये जगह बताई। ये देखिए पहाड़ों के मकान लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि उससे गर्माहट काफ़ी रहती है। और फिर हम बीच में लंच करके फिर से निकल चुके हैं घर की तरफ। और ये देखिए चारों तरफ पहाड़ और चीड़ के वो पेड़ ये सब। और हाँ जो बुरास है उसके पेड़ भी यहाँ काफ़ी होते हैं। ये देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं कालसी। और ये जो शिलालेख है उत्तर भारत में सम्राट अशोक का एकमात्र शिलालेख है जो कि कालसी में मिला है। और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और इसमें यह लिखा गया है कि यह सम्राट अशोक के आंतरिक प्रशासन का दृष्टिकोण है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। और इस शिलालेख को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे एक मतलब इसके गुंबद जैसा बनाया गया, उसके अंदर से प्रोटेक्ट किया गया ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और आप इसके सामने से एकदम बारीकी से देखेंगे तभी आपको वो जो लिपि में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है वो नजर आता है कि कुछ इसमें लिखा गया है। ये देश यहाँ पर देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर भी इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। और काफी अच्छा लगता है यहाँ पर और इसी कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है। और चारों तरफ देखिए काफ़ी खेत खलियान है ये बीचों बीच में है। अभी हम एकदम शहर में पहुँचेंगे, ये भी शहर की भागम भाग से थोड़ा दूर पे है। Thank you.
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये चक्राता की ट्रिप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह के ट्रिप दिखाते रहें। तो मिलते हैं आपसे। ओके, बाय।